कोरोना वो बड़ा खतरा है जो छोटी छोटी चीजों से आपके घरों के भीतर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, जिस घर में रहकर आप खुद को महसूस करते हैं सुरक्षित, वहां भी कोरोना पहुंच सकता है। कोरोना वायरस क्या सुबह सुबह आने वाला अखबार आपको बंद करना पड़ेगा? इसके लिए क्या दूध के पैकेट से भी आपको सावधान रहना होगा? क्या आपकी कामवाली बाई भी कोरोना ला सकती है? कोरोना से जुड़े ऐसे कई अहम सवाल हैं। बिल्कुल, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको सचेत कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसी पर न्यूज नेशन पहुंचा देश के कुछ ऐसे डॉक्टर्स के पास और जाना कि किस तरह से घर के भीतर एंट्री कर सकता है कोरोना वायरस। सुबह आने वाला अखबार, दूध लाने वाला दूधिया, काम करने के लिए आने वाली मेट, कुरियर वाले से मिला बॉक्स, ऑनलाइन खाने का डब्बा, ये सब आपके घर में ला सकते हैं कोरोना वायरस। किस तरह छोटी छोटी चीजों के जरिए कोरोना फैलकर बन सकता है बड़ा खतरा, इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने की, ताकि दफ्तरों और सड़कों पर ही नहीं अपने घर के अंदर भी आप बना सकें कोरोना कवच। सुबह आने वाले अखबार में क्या हो सकता है कोरोना? अखबार एक ऐसी चीज है जो तकरीबन हर घर दफ्तर में सुबह आती है। क्या अखबार से कोरोना वायरस आपके घर तक पहुंच सकता है? क्या न्यूज़पेपर के डिलीवरी बॉय से फैल सकता है कोरोना? क्या कोरोना से बचने के लिए अखबार लेना भी बंद करना पड़ेगा? अखबार से कोरोना वायरस फैलने के चांस कितने हैं, यह आपको खुद डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि अखबारी कागज और कोरोना वायरस का कनेक्शन क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकता है। बात कागज की करें तो अगर कोरोना वायरस कागज पर आएगा तो वो 4 घंटे से भी कम वक्त में खत्म हो जाएगा। डॉक्टर से ये भी हमने सवाल पूछा कि क्या सुबह का अखबार बंद करना कोरोना से बचाव का एक तरीका है? कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो सुबह अखबार वाला आए, दूध वाला आए, बाहर से कोई भी आप डिलीवरी बॉय वाला आए, वो कोई भी चीज़ दे रहा है तो उसको आपको ढंग से लेनी पड़ेगी, उसको आपको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा, आपको हाथ बार बार ढंग से साबुन से ही धोने पड़ेंगे, फिर ही उसी चीज़ को काम लेना पड़ेगा। और आपको अगर आपका कोई भी अर्ली स्टेज में सिम्टम, इवन हाई ग्रेड फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार दिखता होगा तो आपको सेल्फ आइसोलेशन ही करना पड़ेगा, ताकि आपका ये रोग आपके घर में किसी को भी या दूसरे अड़ोसी पड़ोसी या मास कम्युनिटी में ये नहीं फैलने पाए। यानी अखबार उठाने से पहले हाथ सैनिटाइज कर लें, और अगर लंबे वक्त तक अखबार हाथ में रहता है तो दोबारा हाथ सैनिटाइज करें। क्या दूध के पैकेट से कोरोना का खतरा हो सकता है? क्या सुबह सुबह आने वाले दूध का पैकेट या फिर दूध देने के लिए आने वाला दूध वाला भी कोरोना का कैरियर बन सकता है? ये जानना भी जरूरी था। दूध के पैकेट या बोतल अधिकतर प्लास्टिक से बने होते हैं। कोरोना वायरस को लेकर अब तक हुए रिसर्च में सामने आया है कि प्लास्टिक के सतह पर कोरोना वायरस 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर दूध के प्लास्टिक के पैकेट पर कोरोना का संक्रमण आया तो वो आपके घर के अंदर 72 घंटे तक खतरा बनकर रहेगा। इस जानकारी को समझने के बाद एक बार फिर जहन में सवाल उठे कि क्या अब सुबह सुबह दूध का पैकेट लेना भी बंद करना होगा? क्या दूध वाले से दूध लेना भी रोकना होगा? किस तरह प्लास्टिक से फैलते कोरोना से बचा जा सकता है? कोरोना पर कोई अंदाजा या कयास सही नहीं, ठोस जानकारी के लिए हमने एक बार फिर डॉक्टर्स का रुख किया। आपका टच भी होता है तो सीधा वो आपको कैरियर और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बना सकता है। जैसे आपने बोला कि काम करने वाली बाई, अगर वो बाहर से अगर वो अंदर आते वक्त सैनिटाइजर यूज़ नहीं करती, जहाँ कोई स्टेरिलियम का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, तो वो सीधा आके आपके सफाई करना स्टार्ट कर देगी, वो भी एक कैरियर है, उससे भी स्प्रेड हो सकता है। दूध रोजाना की जरूरत है, ऐसे में दूध बंद करना बड़ी मुश्किल साबित होगा। डॉक्टर्स की हिदायत है कि दूध के पैकेट लेने से पहले हाथ सैनिटाइज करें या फिर ग्लव्स पहने। दूध वाले को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दें। दूध निकालकर पैकेट को तुरंत कूड़े में फेंक दें, उसे अपने घर में बिल्कुल ना रखें। क्या कुरियर बॉक्स से आ सकता है कोरोना? ऑनलाइन शॉपिंग बड़े शहरों में सबकी जिंदगी का हिस्सा है। अब जब मॉल्स बंद हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का ही सहारा है। कपड़ों से लेकर जूतों तक ना जाने कितनी चीजें हम ऑनलाइन मंगाते हैं। ये ऑर्डर अधिकतर गत्तों के डब्बों में पैक होकर घर तक पहुंचते हैं। अगर इस पहलू की बात करें तो यहाँ कोरोना संक्रमण दो तरीके से फैलने की आशंका है। पहला, गत्ते के डब्बे पर संक्रमण हो सकता है। दूसरा, कुरियर डिलीवरी बॉय को भी संक्रमण हो सकता है जो आपके घर के दरवाजे तक पहुंच सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए अधिकतर इस्तेमाल किए जाने वाले गत्ते के डिब्बों की बात करें तो
रिसर्च कहती है कि गत्तों के डिब्बों पर अगर कोरोना वायरस का संक्रमण आया तो वो तकरीबन 24 घंटे रहता है, यानी कोरोना का वायरस 24 घंटे तक गत्ते के डिब्बे पर जिंदा और सक्रिय रहता है, यानी आपका कुरियर भी आपके लिए चलता फिरता कोरोना बम बन सकता है। घर की इन छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्या कोरोना से बचने के लिए अब कुरियर मंगाना भी बंद कर देना चाहिए? कैसे पता करें कि डिलीवरी बॉय को कोरोना का संक्रमण है तो नहीं? सवाल इंसान की जिंदगी से जुड़ा है तो संजीदा तरीके से जवाब जानना जरूरी है। आप ये सोच के चलो कि 24 घंटे तक ये वायरस किसी भी सरफेस पे रह सकता है, इसलिए अपने एरिया अपना जहाँ रह रहे हो वहाँ पे 3 फीट की लक्ष्मण रेखा करो और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर में वायरस को मत आने दो, यानी कि अपने एरिया को साफ रखो। सोच के चलो कि कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे आपको तो नहीं पता लगेगा कि किसने वहाँ छींका था, तो वो 3 घंटे पहले छींका था ताकि 6 घंटे पहले छींका था। तो आंसर है 1 से 2 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। मुझे अपने आप को अपने आसपास 3 फीट की लक्ष्मण रेखा खींचनी है और अपने आप को बचाना है। डॉक्टर्स हर पहलू को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर कुरियर आया है तो हाथ धोकर या सैनिटाइज करके ही कुरियर रिसीव करें। डिलीवरी बॉय से भी दूरी बनाकर कुरियर का पैकेट रिसीव करें। हो सके तो कुरियर का पैकेट घर के बाहर ही खोलें और गत्ता तुरंत कूड़े में फेंक दें। क्या काम वाली बाई बन सकती है कोरोना कैरियर? बड़े शहरों में काम वाली बाई यानी मेड भी तकरीबन हर घर का हिस्सा होती है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ भी पूरी सावधानी बरती जाए। जानकार कहते हैं कि जब मेड घर में काम करने आए तो उसके हाथ सैनिटाइज कराएं, अच्छे से उसे हाथ धोने को कहें, जब काम पूरा हो जाए तब भी हाथ धोने को कहें। अगर घर में इन्फेक्शन है तो वो बाहर ना जाए। अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन मेड को घर में ना बुलाएं, क्योंकि वो अलग अलग घरों में जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती है, तो ऐसे में उनसे संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। क्या ऑनलाइन ऑर्डर किया गया खाना भी ला सकता है कोरोना? अगर आप भी खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जरूर देखिए और समझिए। आमतौर पर ऐसा खाना प्लास्टिक के डब्बों में पैक होकर आता है। प्लास्टिक की सतह पर कोरोना वायरस 72 घंटों तक सक्रिय रहता है। अगर एल्युमिनियम फॉइल में भी खाना आया है तो वहाँ भी कोरोना वायरस के सक्रिय रहने की आशंका बनी रहती है, इसलिए बेहतर है कि कुछ दिन जब तक कोरोना का खतरा कायम है तब तक घर में बना खाना ही खाएं, बाहर से खाना ऑर्डर ना करें। अगर आपके घर हाल फिलहाल में कोई मेहमान आया है और वो कोरोना का संक्रमित हुआ तो कोरोना फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। रिसर्च के मुताबिक लकड़ी की सतह पर कोरोना वायरस 24 से 36 घंटे तक रह सकता है, इसलिए डॉक्टर्स मानते हैं कि जब भी कोई आकर फर्नीचर का इस्तेमाल करे तो बैठने से पहले और बाद में फर्नीचर को सैनिटाइज करें। कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है वो अपना वायरस कोई भी हार्डबोर्ड फर्नीचर कोई भी जगह पे वो अपना वायरस उसको शेड कर रहा है, और जो हेल्दी आदमी है वो उस ड्रॉपलेट के उसके टच में आ रहा है और वही उस हाथ से वो अपने या तो नाक मुंह या आंख पे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाला जिस चीज़ को टच कर रहा है वो लेके जा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से वो जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो रहा है। तो सब इंडिया के सब लोगों को इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायरस का है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है। कोरोना की अब तक कोई ठोस दवा नहीं बनी है, इसीलिए सावधानी ही बचाव है और यही सावधानी बन सकती है आपके घर का कोरोना कवच। टीम न्यूज़ नेशन।